सिविल वाला जाओ जाओ शादी का गवर्नमेंट कट कर सचिन इसमें दुर्लभ का हाथ खड़ा करेगा बीच में खड़ा तो सब डायलॉग मारो जो फेसबुक पर लिखा के पढ़ जाना तुम दोनों भी ये बना तुम दोनों भी चलो हो गया अरे सब कुछ लगातार ये अपराधों को अंजाम देते रहे जो कि पुलिस द्वारा इतनी बड़ी तादाद में ये जो आरोपी पकड़े हैं तो इनसे बहुत सी जानकारियां मिली जिससे पूरी गैंग को ट्रेस करने में मदद मिली। उज्जैन पुलिस द्वारा एक गैंग पकड़ा गया है जिसमें लगभग अभी तक 23 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इनके ऊपर सभी के ऊपर गंभीर अपराध हैं। वर्तमान में भी इनके द्वारा सार्वजनिक स्थान पे चाकूबाजी और फायरिंग की गई जिससे ये शुरुआत हुई थी गैंग को पकड़ने की। इनकी जब तलाश की गई, इनके बारे में पूछताछ की गई और गिरफ्तारी की गई तो ये जानकारी सामने आई कि इनके द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एडवर्टाइजमेंट किया जाता था, स्टेटस डाला जाता था कि जिस भी व्यक्ति को कोई विवाद करना हो, हत्या करनी हो तो इनसे संपर्क किया जाए। इनके पास एक पूरा गैंग है, गैंग के सदस्यों के भी ये सार्वजनिक स्थान के फोटोग्राफ साथ में डालते थे, साथ ही इनके पास जो हथियार हैं उसका भी प्रदर्शन करते हुए ये फेसबुक पे फोटोग्राफ डालते थे। इनके हथियारों को पुलिस ने बड़ी तादाद में जब्त किया है जिसमें कई आग्नेय शस्त्र, चाकू और तलवार राउंड शामिल हैं। पुलिस द्वारा इनसे पूछताछ की जा रही है, अगर और भी कोई इनके मेंबर होंगे पुलिस उनकी भी गिरफ्तारी करेगी। चूंकि ये गैंग का मुख्य उद्देश्य ये था कि सार्वजनिक स्थान पे दहशत फैलाई जाए, इसलिए ये अपना एक विशेष पहनावा रखते थे कि ये जहां भी जाएं लोग इनकी बात माने और इनके जो भी उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति करें। इसलिए ये एक टीका लगाते थे, इसके साथ गले में काला गमछा पहनते थे और आंखों में काजल लगाते थे और सभी सदस्यों के लगभग लंबे बाल रखते थे जिससे पहचान में आए और इसी पहनावे के साथ ये सभी क्षेत्र में घूमते थे और वहीं पर ही अपराध घटित करते थे। इनसे जो हथियार बरामद हुए हैं वो आग्नेय शस्त्र जो हैं उसमें देसी कट्टे और पिस्टल शामिल हैं। ये इनकी जो क्वालिटी है बहुत ही उच्च क्वालिटी की पिस्टल है जिनके द्वारा कोई घटनाक्रम करना हो, फायरिंग करनी है, उसमें उपयोग में लाई जाती है तो जो इनके द्वारा की भी गई है। इसके साथ ही जो चाकू और अन्य हथियार बरामद किए हैं उनका भी जो मेजरमेंट है, साइज़ है, वो इतने बड़े हैं कि ये दहशत फैलाने या जो भी अपराध घटित करना है मारने में उपयोग में आते हैं। जो इनके द्वारा पूर्व में जो अपराध घटित किए हैं उसमें भी उपयोग किया गया है और अभी भी जो वर्तमान में अपराध हुए हैं उसमें भी इनका प्रयोग किया गया है। ये जो इनके अपराध का एनालिसिस किया गया है और इनसे पूछताछ की गई है उसमें जानकारी मिली है कि ये इनका उद्देश्य ये था कि जो भी इनको पैसा पहुँचा पाए, जिनसे वसूली की जाए या जो भी इनको कॉन्ट्रैक्ट दे उन व्यक्ति के आदेश पर ये लोग जाके अपराध घटित करते थे और जो भी दूसरा अगर गैंग है इनके सामने तो उन लोगों पे भी हमला करने के लिए तत्पर रहते थे किसी के भी आदेश पर। तो ये भी पुलिस के लिए एक जांच का विषय है कि किस प्रकार से जो अन्य गैंग इसमें शामिल हैं उनको भी ट्रेस किया जाए। कोई बड़ा लीडर पुलिस के लिए नहीं होता, जो भी नाम इसमें शामिल होंगे जिन्होंने अपराध किया है, इनको आश्रय दिया है या फंडिंग करी है, हथियार उपलब्ध कराए हैं, पुलिस उनकी गिरफ्तारी करेगी। चूंकि वर्तमान में आदर्श आचार संहिता लागू है और पूरी पुलिस का, पूरे प्रशासन का एक अभियान के रूप में गुंडे तत्वों पर कार्रवाई लगातार जारी है और उसी क्रम में ये कार्रवाई भी की गई है जिसमें पुलिस द्वारा पूर्व से ही ऐसे अपराधियों की तलाश की जा रही थी जो वर्तमान में फरार हैं या जो जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें किसी भी प्रकार से विघ्न पहुंचा सकते हैं और उसी क्रम में पुलिस ने ये ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो सार्वजनिक स्थान पर दहशत फैला सकते हैं और चुनावी प्रक्रिया में बाधा डाल सकते हैं। फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी गेम में युवाओं की भर्ती भी करते हैं, इस तरीके का संदेश देते हैं।
जो फेसबुक पे इनके ग्रुप होते थे उसमें नए नए लोगों को ये जोड़ते थे, और इनके जो पुराने सदस्य हैं उनको ये कहते थे कि नए व्यक्ति जिसमें ये पोटेंशियल हो, जो अपराध कर पाए, उसको साथ में लाया जाए, उससे संपर्क स्थापित करते थे, और जब भी कहीं अपराध करने जाना हो तो उस व्यक्ति को बुलाते थे, उसे हथियार देते थे और साथ में ले जाकर अपराध घटित करते थे। लिमरा टाइम्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, तेज ताज़ा खबरों के लिए।